वालेकुम सलाम मैम। क्लास हो रही थी अभी आप लोगों की पहले वाली नो मैम, ये पहली है। पहली है। फिर भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ आप चार पांच स्टूडेंट्स ही हो। मैम रोजे होते हैं ना तो लड़के सो रहे होते हैं। लास्ट टाइम तो उठ गया करें, बाकी के बाद सो रही क्या करें। अभी आ जाते हैं मैम, बस 5-7 मिनट में। क्वेश्चंस कर लिए सबने? जो क्वेश्चंस मैंने कहा था करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जो पार्ट्स थे 12th तक कहा था या 10th तक कहा था मैंने? क्लास क्वेश्चन नंबर 12 तक, पार्ट नंबर 12 तक बोला था मैंने या 10 तक कहा था करने के लिए? मैम आपने 12th तक कहा था, लेकिन एक आधा क्वेश्चन हमसे हुआ नहीं अभी तक। कौन सा नहीं हुआ? मैम 8, 8वां ऊपर वाले हो गए, आसान थे। आठवां नहीं हुआ? कॉपी पेन चला है सबके पास इसका? था तो फॉर्मूला ओपन करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला इसके ओपन करें। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को आई थिंक शो करी। मैम आप यहीं से समझा दें कि जब फॉर्मूला ओपन करना है तो ऊपर भी x+3 आना और नीचे भी x+3, वो कट जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे, जब चीज कॉमन आ रही होती है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से फिर कैंसिल हो जाती है। फॉर्मूला आई थिंक सो मैंने कल नेगेटिव का लिखा था, मैं पॉजिटिव का फॉर्मूला भी बता देती हूँ। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर सिर्फ साइन का ही का डिफरेंस आता है। सिंपल फॉर्मूला देखते हैं, क्यों क्यूब के फॉर्म में ए क्यूब पहले माइनस वाला लिख देती हूँ फिर प्लस वाला लिख देती हूँ। दोनों फॉर्मूला के अंदर सिर्फ साइंस का डिफरेंस है और ऐसे कोई डिफरेंस नहीं। ए क्यूब एंड बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस एंड इन टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, सेम यही फॉर्मूला है नेगेटिव पॉजिटिव के लिए, लेकिन सिर्फ साइन चेंज है। मैं इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इसमें साइन चेंज कर दूंगी। पॉजिटिव के लिए मेरे पास जो आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8 के अंदर अप्लाई होगा यहाँ पे वही मैं मेंशन कर रही हूँ, ए प्लस बी क्यू
इज इक्वल टू ए प्लस बी, और जस्ट साइन का जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पर साइन आता है, ये वाला प्लस यहाँ पे जो माइनस था वो यहाँ पे प्लस हो जाता है, और जो ये प्लस है यहाँ पे नेगेटिव वाले में ये माइनस होता है, पॉजिटिव वाले में यहाँ पे माइनस आ जाता है। अब आप जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस थ्री क्यूब, क्योंकि थ्री की पावर थ्री लेंगे तो वो सेवन के इक्वल आएगा, तो फिर बनेगा x प्लस थ्री, और वो नीचे वाले x प्लस थ्री के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपके पास जो है वो सिंपल वैल्यू रह जाएगी x स्क्वायर प्लस नाइन एंड प्लस थ्री एक्स, उसके अंदर सिर्फ माइनस थ्री सब्स्टिट्यूट करें और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बाकी क्वेश्चन हो गए 12 तक। मैंने 9 से लेके यहाँ पे थोड़े से सॉल्व किए, बाकी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ही यहाँ पे सॉल्व करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं हम यहाँ पे x माइनस थ्री ओवर थ्री प्लस एक्स, थ्री पुट करूंगी, थ्री माइनस थ्री जीरो, ओवर थ्री प्लस थ्री क्या हो जाएगा मेरे पास सिक्स, सिक्स का स्क्वायर रूट एज इज रहेगा, इसका आंसर जो है वो यहाँ पर मेरे पास बनेगा जीरो। मैंने यहाँ पे डिटेल से सॉल्व किया हुआ है इसको, बहुत ईजी है क्वेश्चन, सिर्फ उसके अंदर पॉइंट पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे पास ये है 9 पार्ट, x माइनस थ्री ओवर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ थ्री प्लस एक्स, डायरेक्ट लिमिट पुट किया तो मेरे पास आंसर बना जीरो ओवर स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स इज इक्वल टू आंसर जो है वो जीरो आ गया, ठीक है। इसी का जो 10 पार्ट है वो भी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, दोनों क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक साइन का डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे ये मेरे पास प्लस है और यहाँ पर ये मेरे पास माइनस है, और सॉरी मैंने यहाँ पे थ्री नहीं मेंशन किया, यहाँ पे थ्री आती है इसके लिमिट अप्रोचिंग फॉर्म में। इसमें डायरेक्ट में अगर लिमिट पुट करती हूँ तो मेरे पास ये बनती है जीरो ओवर जीरो फॉर्म, तो जब जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनेगी या अनडिफाइंड फॉर्म बनती है या आपके पास जो स्क्वायर रूट वाली कम्प्लेक्स फॉर्म बनती है, तब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे भी बताया था कि हमने क्या करना है, फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, किसी भी वे के अंदर वो सिंप्लीफाई होता है तो हमने उसको उस वे में करना है। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नहीं दिया गया, क्यूब नहीं दिया, कोई भी इस तरह की वैल्यू नहीं दी कि हम इसका फॉर्मूला बना सकें। सेकेंडली यहाँ पर हम जो रूल अप्लाई करेंगे इसको सिंप्लीफाई हमने लाजमी करना है, जहाँ तक पॉसिबल है सम क्वेश्चन ऐसे होंगे कि सिंप्लीफाई करके भी आंसर जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म में आ रहा होगा, तो उन्हें हमने अनडिफाइंड ही देना, लेकिन सिंप्लीफाई जहाँ तक एंड तक पॉसिबिलिटी है सिंप्लीफाई करने की वो हमने लाजमी करनी है। मेरे पास है ऊपर एक्स माइनस थ्री, और अगर मैं किसी वैल्यू को इस कंडीशन के साथ मेंशन कर दूं कि मेरे पास इन केस यहाँ पे एक नंबर है टू, क्या मैं इसको आगे लिख सकती हूँ, इस वे में मैं इसको लिख सकती हूँ, एक ही वैल्यू का स्क्वायर रूट और स्क्वायर ले लें तो आपस में दोनों कटिंग हो जाते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट वन ओवर टू है और वो टू है, टू और वन ओवर टू पावर कैंसिल होकर वन रह जाती है, फिर से दोबारा वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है टू पे। तो मैंने यहाँ पे एक्स माइनस थ्री जो ऊपर है सिंपल है, उसको स्क्वायर रूट भी लिया है और उसका स्क्वायर भी लिया है, अगर आप ये देखें मैंने उसका स्क्वायर भी लिया और स्क्वायर रूट भी लिया है, सिर्फ इसलिए लिया है कि जो नीचे है वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री उसके साथ फिर एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद आपके पास फंक्शन जो है वो ये रह जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री, फिर अब इसमें डिनोमिनेटर रह गया, सिर्फ डिनोमिनेटर वैसे खत्म हो गया, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो जीरो बनेगा, थ्री माइनस थ्री स्क्वायर रूट इज इक्वल टू जीरो आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन ओवर एक्स माइनस थ्री, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करती हूँ तो ये बनेगा मेरे पास थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस सिक्स मल्टीप्लाई थ्री एटीन एंड प्लस नाइन, नाइन और नाइन क्या हो जाएंगे एटीन और माइनस एटीन जीरो, सिमिलरली नीचे भी आपके पास बनेगा थ्री माइनस थ्री जो है वो फिर जीरो हो जाएगा, और आपके पास ये फॉर्म बनती है जीरो ओवर जीरो, इट्स मीन जब ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनी है मैंने इसको सिम्प्लीफाई करना है, सिम्प्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या रूल अप्लाई किया मुझे ज़रा बताएं, मैंने ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ क्या रूल अप्लाई किया है मैम, माइनस एक्स एक्स दो बार ये माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स को फैक्टराइजेशन की है, दो बार नहीं लिखा, ठीक है आगे जाके भी फैक्टराइजेशन आएगी। इसमें फैक्टराइजेशन रूल के अकॉर्डिंग कि हमारे पास जो एक्स के ऐसा कोफिशिएंट होता है जो यहाँ पे वन है उसको हम विदाउट एक्स जो वैल्यू होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा नाइन वन जार द नाइन, और अंदर वाली वैल्यू को हमने इस तरह दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना होता है कि मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाले के कोफिशिएंट्स को जो मल्टीप्लाई किया था वो आंसर आ जाए,
और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो अंदर वाला आंसर आता है। अब देखिए मेरे पास ये बन रहा था माइनस सिक्स, तो मैं माइनस थ्री और माइनस थ्री लिखूंगी तो मेरे पास बन जाएगा एडिशन से माइनस सिक्स, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो थ्री थ्री से मल्टीप्लाई कर नाइन, और माइनस माइनस का साइन जो है वो प्लस में कन्वर्ट होगा। मैंने इसे फैक्टराइज किया, उसके बाद दो पेयर की कंडीशन में इसको डिवाइड किया, ये दो पेयर की फॉर्म बनेगी। पहले वाले पेयर के अंदर से मैंने कॉमन लिया x, तो अंदर आ जाएगा x माइनस थ्री, दूसरे में से मैं माइनस थ्री लिया तो अंदर आ जाएगा फिर x माइनस थ्री, और नीचे फिर आपके पास x माइनस थ्री वो एज इट इज ही रहेगा। ऊपर जो x माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस थ्री, अंदर भी रह जाएगा और ये एक x माइनस से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा x माइनस थ्री। फिर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बनेगा थ्री माइनस थ्री, कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे जीरो। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करती हूँ तो ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म नहीं बनती, क्योंकि नीचे देखें आपके पास एक्स प्लस वन है, नीचे जो फंक्शन है वो प्लस फॉर्म में है, तो ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म वैसे ही नहीं बनेगी, समथिंग ओवर जीरो भी फॉर्म नहीं बनेगी, इसलिए डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगी। थ्री का स्केयर माइनस टू मल्टीप्लाई थ्री ओवर थ्री प्लस वन, थ्री का स्केयर नाइन और थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स, साइन माइनस का था तो माइनस करेंगे तो थ्री आ जाएगा, थ्री ओवर फोर आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन के अंदर भी जब मैं लिमिट पुट करती हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फोर, टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई ओवर फोर माइनस वाई, यहाँ पे जो लिमिट है इसकी ये एक्स नहीं है सॉरी, यहाँ पे वाई आएगा क्योंकि लिमिट दी हुई है क्वेश्चन में वाई और मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे एक्स लिख दिया। y approaches to 4, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करती हूँ y की जगह पे 4, तो मेरे पास ये बनेगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 टू, 4 माइनस 4 जीरो, और ये बनेगा आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म, 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अब ऊपर वाली वैल्यू को मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकती क्योंकि इसके अंदर 2 का स्क्वायर रूट बनाऊंगी तो वो वैसे नीचे वाले के साथ कैंसिल नहीं होगा, लेकिन मैं नीचे वाली वैल्यू को अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकती हूँ। 4 टू का स्केयर बनेगा तो मैंने यहाँ पे टू का स्केयर लिखा है, माइनस वाई एज इट इज था ऊपर स्केयर रूट ऑफ वाई, तो फिर मैंने वाई को भी खत्म करने के लिए फॉर्मूला बनाने के लिए वाई को भी एक दफा स्केयर और एक दफा स्केयर रूट के साथ लिखा है कंबाइन करके, ताकि वो कैंसिल होकर फिर वाई की कंडीशन ही रहेगी। ऊपर वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज ही आ गई है, नीचे फार्मूला बना है मेरे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला यहाँ पे बना है, ए स्केयर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। मैं आप ए प्लस बी पहले लिख लें या माइनस वाला पहले लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये फॉर्मूला बना है वो यही फॉर्मूला मैंने वहां पे ओपन किया है, टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई एंड टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई जो है वो नीचे वाले टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई से कैंसिल हो जाएगा, फिर आप इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे क्योंकि एडिशन वाली फॉर्म रहेगी तो कटिंग कुछ भी नहीं होगी, और सेकेंडली ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म से स्किप हो जाएगा तो हमारे पास ये डायरेक्ट लिमिट पुट करके ये बनेगा वन ओवर टू प्लस टू और आंसर आपके पास आ जाएगा वन ओवर फोर। इससे नेक्स्ट पे जो क्वेश्चन किया हुआ है मैंने 13 के बाद जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर आप ये देखें 13 के बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है 17 पार्ट सॉल्व किया है, ये 13 तक मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, उसके बाद मैंने नेक्स्ट 17 सॉल्व किया है, वो सिर्फ इसीलिए सॉल्व किया है क्योंकि ये देखें ये बाकी सारे पार्ट्स हैं 14 15 और ये 16, ये तीनों एक तरह के ही हैं इसलिए मैंने इसे सॉल्व नहीं किया, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है 17 है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, क्वेश्चन नंबर 17 18 और 19, ये तीनों एक तरह के ही हैं, इसमें से भी मैंने एक ही पार्ट जो है वो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। इसमें 17 मैंने सॉल्व किया है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस सिक्स, इसमें भी डायरेक्ट टू लिमिट पुट करती हूँ तो बनेगा टू का स्क्वायर फोर माइनस टू मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई टू एट और प्लस फोर, फोर और प्लस फोर जो है वो आपके पास एट आएगा लेकिन माइनस एट से वो कैंसिल होकर बन जाएगा जीरो। सिमिलरली नीचे आपके पास आएगा टू का स्क्वायर फोर एंड प्लस टू, फोर और टू सिक्स, माइनस सिक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे सिक्स और माइनस सिक्स, फिर ये जीरो बनेगा। तो हमारे पास ये फॉर्म बन गया जीरो ओवर जीरो की, इसको हमने करना है सिंप्लीफाई,
सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको फिर से किया फैक्टराइज, फैक्टराइजेशन फॉर्म किया है, कॉमन लिया है, पेयर बने हैं, पेयर जो बनेंगे उसके अंदर से ऑटोमेटिकली ही कॉमन आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन इस वे में दिया होता है कि हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऊपर से मैंने x माइनस टू कॉमन लिया तो अंदर भी x माइनस टू रह गया है, नीचे से x प्लस थ्री पेयर कॉमन था वो कॉमन लिया तो अंदर रह गया x माइनस टू, x माइनस टू से कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई किया, लिमिट अप्लाई करके डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा फाइव और नोमिनेटर में आ रहा है जीरो, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ आंसर जीरो। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें आपने मुझे बताना है कि इसमें फैक्टराइजेशन क्या होगी, डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं या हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, डायरेक्ट क्यों नहीं पुट करते हैं ये आप लोगों ने मुझे बताना है अभी। अगर फैक्टराइजेशन होगी तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, क्योंकि अंदर हमें साइन भी दोबारा से वही चाहिए। अगर इस तरह फैक्टराइजेशन करें कि समटाइम आपको लगे कि ये रॉन्ग फैक्टराइजेशन आपने की है तो दोबारा से उस इक्वेशन को सॉल्व करके देखें क्या पीछे वाली इक्वेशन बन रही है दोबारा से जो क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया है, ये देखें मैंने ये फैक्टराइजेशन की थी, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स फिर माइनस फोर एक्स हो जाएगा और प्लस फोर, तो देखें यही चीज मेरे पास है। इसी तरह नीचे देखें डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स, थ्री और टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले हैं, थ्री में से टू माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा वन एक्स, और वन एक्स के साथ साइन क्या आएगा बड़ी वैल्यू वाला प्लस वाला, तो यहाँ पे प्लस एक्स आ जाएगा साथ में माइनस सिक्स जो है वो एक्स भी आ जाएगा। फैक्टराइजेशन करके उसको एक दफा बेसिक चेक कर लीजिएगा कि अब दोबारा से कोई कंडीशन बन रही है या नहीं बन रही, और अब डिनोमिनेटर में क्या फैक्टराइजेशन होगी, जो डिनोमिनेटर मैंने हाईलाइट किया हुआ है इस वक्त उसमें क्या फैक्टराइजेशन होगी, माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स, माइनस थ्री एक्स और माइनस एक्स से तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस माइनस तो माइनस फोर एक्स, बोले माइनस फोर एक्स और माइनस माइनस प्लस माइनस टू आ रहा है प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस फोर एक्स प्लस एक्स के साथ आएगी क्योंकि ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एक्स, माइनस फोर एक्स और प्लस एक्स की कंडीशन के साथ मैं यहाँ पे लिखती हूँ जो मैं फैक्टराइजेशन आएगी सिर्फ वही लिखूंगी यहाँ पे x की पावर टू माइनस फोर एक्स प्लस एक्स और साथ में आ रहा माइनस फोर, माइनस थ्री को मैंने कन्वर्ट किया दो पार्ट्स में फैक्टराइजेशन के तौर पे, माइनस थ्री था हमारे पास। अब देखिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं माइनस फोर एक्स और प्लस एक्स, एक एक्स खत्म हो जाएगा और रह जाएगा पीछे माइनस थ्री एक्स, और अगर बाहर वाली वैल्यूज को देखें तो आप माइनस फोर को जब वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस फोर ही आता है, अंदर वाली को हमने थ्री को इस तरह कन्वर्ट करना है दो पार्ट्स के अंदर कि मल्टीप्लाई करूँ तो बाहर वालों के कोफिशिएंट, और अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करूँ तो अंदर वाली ही वैल्यू आ जाए। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखें थ्री को जब मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आता है सिक्स, प्लस माइनस का साइन जो है वो यहाँ पे फिर माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है और ये माइनस का साइन बनेगा। इसी तरह जब मैंने ऊपर वाली फोर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है तो मैंने इसीलिए टू और टू की कंडीशन के साथ किया है, अदरवाइज वो मैंने फोर को अगर कन्वर्ट करना होता तो मैं माइनस थ्री और माइनस वन भी लिख सकती थी, दोनों ने एड होकर माइनस फोर ही आना था, लेकिन फैक्टराइजेशन के रूल के अकॉर्डिंग जो बाहर कोफिशिएंट आ रहा होता है ये फोर और वन के साथ इनका मल्टीपल भी बनना चाहिए अंदर, इसलिए मैंने माइनस टू और माइनस टू लिया कि माइनस टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा मेरे पास प्लस फोर। फैक्टराइजेशन करते वक्त इस रूल का आपने ख्याल रखना है कि मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारे पास बाहर वाली वैल्यू के कोफिशिएंट आ जाए और एडिशन सब्ट्रैक्शन से अंदर वाली वैल्यू बन जाए, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एक्स इज और माइनस फोर की कंडीशन के साथ फैक्टराइजेशन होगी। अब उससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्या इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करके मेरे पास जीरो का जीरो फॉर्म बनती है,
सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0 ओवर 0 में फॉर्म बनती है? यस मैम, 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है, बिल्कुल बनती है। अब आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अभी पेंसिल है तो जरा इसको सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताएं, क्या आंसर आता है? जल्दी से मुझे क्वेश्चन का आंसर बताएं, पहले इसको सॉल्व करें कि सॉल्व किस वे में होगा ये भी मुझे बताना। डायरेक्ट आंसर इसका भी डायरेक्ट आंसर मैम 0 आएगा। डायरेक्ट पुट करके तो 0 ओवर 0 फॉर्म आती है, लेकिन सिंपलीफाई करना है हमने, फिर इसका आंसर बताना है। और मैं ये पूछ रही हूँ कि सिंपलीफिकेशन आपने इसकी कैसे करनी है ये बताएं जल्दी से। में देखें क्या फैक्टराइजेशन होती है, क्या इसमें आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो? नो मैम, नहीं होती। नीचे नीचे वाले की होने से क्यों? नीचे वाले की क्या होती है? नहीं हो सकती मैम जी। माइनस माइनस टू माइनस वन डिवाइड करने हर की तरफ से ये फैक्टराइजेशन। हाँ बोले बोले। T की पावर 3 को सब पर डिवाइड करेंगे मैम, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। T की पावर 3 पर डिवाइड करके भी डिनोमिनेटर को भी करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन अभी हम डिवाइड वाला रूल नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी सिंपलीफाई वाला रूल कर रहे हैं। तो उस रूल के अकॉर्डिंग मुझे बताएं क्या फैक्टराइजेशन होती है, और अगर फैक्टराइजेशन नहीं होती तो क्यों नहीं होती, फिर क्वेश्चन जो है वो किस वे में इसको सॉल्व करोगे? मैम फैक्टराइजेशन जो होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है, ये क्यूब में है। बिल्कुल ये क्यूब वाली इक्वेशन है, बिल्कुल ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? मैंने बताया है कि t की पावर 3 ये सब पर डिवाइड, ऊपर भी नीचे भी, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर पर डिवाइड करेंगे। लेकिन ये एक और वे में भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, मैं वो वे पूछ रही हूँ। मैम 3t और प्लस 2t को जमा करेंगे। कैसे प्लस होगी? और तो ये 2t की पावर 4 5 बन जाएगा मैम। मैम जमा नहीं होते, इधर पावर 3 है, इधर पावर 2 है, ये प्लस अगर ही नहीं सेम होती। और एक बात और, ये कुछ क्वेश्चन जो है डिवाइड होके सॉल्व होते हैं, आप जो मुझे कह रहे हैं ये डिवाइड करके होता है, जरा डिवाइड करें t की पावर क्यूब के साथ इसको, तो ऊपर फिर 0 ही बनेगा, नीचे भी 0 की फॉर्म बनेगी, क्योंकि लिमिट ही उसने 1 दी हुई है। कोई और लिमिट होती तो फिर ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाना था, फिर 1 की कंडीशन रखनी नहीं पड़नी थी। जी 1 नहीं बने, जब डिवाइड करेंगे ना
टू थ्री काट देगी वन बन जाएगी, कुछ जवाब चेंज हो जाएगा। इसको मैं डिवाइड करके दिखाती हूँ अभी आपको। मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करती हूँ। डायरेक्ट लिखूंगी थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करके टी की पावर थ्री से डिवाइड करूंगी पहली को, तो ये आएगा वन। दूसरी को डिवाइड करूंगी तो ये बनेगा वन ओवर टी। थर्ड वाली को डिवाइड करूंगी तो ये बनेगा माइनस फाइव ओवर टी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर एक टी है और नीचे क्यूब से डिवाइड करी तो खत्म हो जाएगा मेरे पास, दो रह जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाली जो वैल्यू है वो है प्लस थ्री, और ये आ जाएगा प्लस थ्री ओवर टी की पावर थ्री, ठीक है। और सिमिलरली नीचे थ्री की पावर थ्री से डिवाइड करेंगे तो बनेगा वन माइनस थ्री ओवर टी की पावर टू, और साथ में आपके पास आ रहा है यहाँ पे टू, और ये बनेगा प्लस टू ओवर टी की पावर क्यूब। अब लिमिट पुट करके देखें, ये जीरो जीरो बन रहा है, ये भी जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन रही है। तो कुछ क्वेश्चन इस रूल से सॉल्व होते हैं क्यूब वाले से, जो हम जाके इन्फिनिटी लिमिट पढ़ेंगे वो सारे डिवीजन वाले रूल से ही होंगे, लेकिन जो सिंपल लिमिट्स वाले क्वेश्चन है वो डिवीजन वाले रूल से नहीं होते, इसलिए मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। मैं सेकंड वाला ही वे पूछ रही हूँ, इसमें फैक्टराइजेशन ही यूज होगी, और वो किस वे में होगी यही पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताएं कि किस वे में आप यूज करोगे। तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो या इसको फैक्टराइज कर सकते हो, किस तरह इसको सॉल्व करोगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये मैं आप पे ही छोड़ती हूँ कि आपने इसको सॉल्व करना है। आपके साथ कल क्लास है, बल्कि क्लास नहीं, आप लोगों ने सॉल्व करके क्वेश्चन मुझे ग्रुप में सेंड करना है। इसका आंसर जो है वो फोर ओवर थ्री आता है। अब क्या आंसर आता है, क्वेश्चन किस तरह है, या क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होता है, या आप लोगों ने मुझे बताना है। आज शाम तक मुझे जो है वो ग्रुप में मैसेज करना है अगर किसी ने सॉल्व कर लिया, और अगर किसी को लग रहा है इस क्वेश्चन में मसला है तो भी मुझे बता दें। ये अब मैंने आप पे छोड़ा है, आंसर इसका मैंने आपको बता दिया है, जो मैंने नोट शेयर किए हुए इसके लास्ट में इसके आंसर दिए हुए। नहीं होगा कल तक तो मुझे रीजन बतानी है, फिर इसको मैं सॉल्व करूँगी फिर से, ठीक है। अब आगे जो है क्वेश्चन, लेकिन शाम तक मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उसको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे असेसमेंट के। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, रेशनलाइज नहीं होता, रेशनलाइज करके देखें, जैसे भी सॉल्व करना है आप लोगों ने खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन नंबर 1 का 20 पार्ट है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 3 ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब। इसमें भी जब मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ तो ये भी मेरे पास बनता है 0 ओवर 0, ये मेरे पास फॉर्म बनती है 0 ओवर 0, सॉरी समथिंग ओवर 0, जो कि इन्फिनिटी के इक्वल आती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले इसका एलसीएम लेने के लिए मैंने फॉर्मूला ओपन किया, 1 माइनस एक्स की पावर 3, यानी कि ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैंने ये फॉर्मूला ओपन किया यहाँ पे। उसके बाद मैंने इस वैल्यू का यहाँ पे लिया एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो आपके पास बनेगा एलसीएम 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ एलसीएम आएगा। 1 माइनस एक्स के साथ ये 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी वैल्यू रह जाएगी, यानी कि जो रह जाएगा ये ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। उसके बाद सेकेंडली माइनस 3, इसके डिनोमिनेटर में सारी वैल्यू जो कैंसिल हो जाती है एलसीएम के साथ, तो ये रह जाएगा अकेला ही माइनस 3। सिंप्लीफाई किया है, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू ज्यादा आ जाएंगी, माइनस 3 और प्लस 1 जो है वो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे माइनस 2। अभी भी यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो ये बनता है मेरे पास 0 ओवर 0 फॉर्म, इसलिए मैंने डोमिनेटर में जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 उसको मैंने यहाँ पे किया है सिंप्लीफाई, फैक्टराइज किया है, फैक्टराइज किया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 2। फैक्टराइज करने के बाद
मैंने इसके पेयर बनाए x प्लस टू के फॉर्म में पेयर बन रहे हैं। x प्लस टू कॉमन लिया तो अंदर आपके पास रह जाएगा x माइनस वन, वो x माइनस वन और नीचे आपके पास यहाँ पे है वन माइनस एक्स। तो मैंने नीचे वाली वैल्यू को भी x माइनस वन बनाने के लिए माइनस कॉमन लिया है। कॉमन लेने के बाद ये दोनों जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आप इसके अंदर जब लिमिट पुट करोगे तो आप जीरो ओवर जीरो फॉर्म नहीं बन रही, लिमिट पुट करेंगे वन प्लस टू ओवर में वन प्लस वन की फॉर्म बनेगी और ये बनेगा थ्री ओवर माइनस थ्री और आपका आंसर आ जाएगा कैंसिल होकर माइनस वन। ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और 12, इसमें भी पेयर बनेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले देखते हैं, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से क्या आंसर जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन रही है या जीरो ओवर जीरो फॉर्म नहीं बनती। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं सॉरी 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 देखें, इसमें जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनती है या जीरो ओवर जीरो फॉर्म नहीं बनेगी। में भी जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनेगी। इसको आप फैक्टराइज करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को, दोनों फैक्टराइज होके फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा। इसको करने से पहले हमें पहले इसका फॉर्मूला करना पड़ेगा फिर हम सॉल्व करेंगे। जी जी उसका जवाब मैम दो आता है तो डायरेक्ट लिमिट पुट करके मैम इसमें फॉर्मूला भी लगेगा तो फैक्टराइज करेंगे, आप फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट वाला अभी क्वेश्चन करवा रही हूँ उसमें कह रही हूँ कि फॉर्मूला अप्लाई होगा, उसके लिए पहले फॉर्मूला करवाऊंगी फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चन करवाऊंगी। एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 7, लिमिट एक्स अपॉन टू 0 इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं इसलिए साथ साथ इसको भी करवाऊंगी कि वन बाय वन एग्जाम्पल्स भी हो जाए, आगे पीछे एग्जाम्पल्स नहीं करें। वैल्यूएट लिमिट एक्स अपॉन टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स। अब जो यहाँ पे बोल रहे थे रैशनलाइज होगा, इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो रैशनलाइज होते हैं क्योंकि इसके अंदर नीचे जो है सिंगल वैल्यू बनती है या ऊपर सिंगल वैल्यू होती है और वो सिंप्लीफाई नहीं होते। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं या तो नॉमिनेटर से रैशनलाइज किए जाते हैं या डिनोमिनेटर से रैशनलाइज किए जाते हैं, जिसके अंदर भी वैल्यू जो है वो एडिशन और सबट्रैक्शन के साथ आएगी उसके अकॉर्डिंग रैशनलाइज करते हैं। अब हम इसको करेंगे नॉमिनेटर के अकॉर्डिंग रैशनलाइज, साइन चेंज करते हैं, जो वैल्यू के अंदर साइन आता है उसको चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अभी मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ उसने एज इट इज भी यहाँ पे ब्रैकेट्स के साथ मेंशन किया है। उसके बाद अगर आप देखें ऊपर आपके पास ये जो वैल्यू है नॉमिनेटर में इसमें फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, क्योंकि बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और स्क्वायर वाला दोनों का फॉर्मूला बन रहा है तो दोनों का स्क्वायर सेपरेटली यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म नहीं बन रही क्योंकि स्क्वायर रूट है और वैल्यू सेपरेट है तो उसको एज इट इज ही हमने लिखा। जैसे ही फॉर्मूला इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा ए प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ए और माइनस ए आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स, एक्स जो है वो नीचे वाले एक्स से कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिमिट इसमें पुट करें, अब इसमें कोई भी वैल्यू जो है साइन नेगेटिव नहीं है जिसकी वजह से कटिंग नहीं होगी और आपके पास ये रह जाएगा टू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जीरो ए माइनस जीरो और स्क्वायर रूट ऑफ ए के साथ आएगा और ये बन जाएगा टू ओवर टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, टू टू से कैंसिल होकर आपका आंसर आ जाएगा वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए। उसके बाद जो है नेक्स्ट पे एग्जाम्पल नंबर 8, इसे भी अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो ये हमारे पास होती है जीरो ओवर जीरो फॉर्म। जितने भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं डायरेक्ट लिमिट पुट करके अगर जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन रही है और सेकंडली उनके साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ रहा है सेंटर में, चाहे वो नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर दोनों के अंदर ही स्क्वायर रूट की फॉर्म है तो हम उसको रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज करेंगे यहाँ पर फिर नॉमिनेटर के साथ रैशनलाइज होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं है, नॉमिनेटर वाली वैल्यू का साइन चेंज करके अंदर से एडिशन वाला साइन स्क्वायर रूट वाली वैल्यू का साइन चेंज नहीं करना
जो दोनों को दो एक्सप्रेशन को मिलाने वाला साइन है, एक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये स्क्वायर रूट वाला और एक एक्सप्रेशन ये है, इनके अंदर जो साइन है उसको चेंज करना है। इसको एडिशन में ये देखना, चेंज करके मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, फिर दोबारा से फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ओपन करेंगे कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर के साथ। इसके ऊपर दोबारा से देखें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू वाला, अब नीचे वाला एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, सारी वैल्यू जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी और आपके पास सिंपल लिमिट पुट करके आंसर बनेगा वन ओवर टू। अब वैल्यू एट लिमिट ए से प्रोसेस टू जीरो, अब यहाँ पे एक्स नहीं दिया हुआ एच दिया हुआ है, क्वेश्चन सेम ऊपर वाला ही है, वहाँ पे ए दिया हुआ था, यहाँ पे एच दे दिया और लिमिट जो है वो एच की दे दी, एक्स की नहीं दी, इससे भी कोई इशू नहीं है, लिमिट किसी भी वेरिएबल के अकॉर्डिंग दे दें, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर दोबारा से उसको रैशलाइज किया, फॉर्मूला बनेगा फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो चीज़ कैंसिल हो रही है कैंसिल करेंगे, उसके बाद जो है आपके पास डिफाइनिंग आंसर आ जाएगा वन ओवर टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के साथ। एग्जाम्पल नंबर टेन है वैल्यू एट लिमिट, ये भी जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन रही है, थ्री माइनस थ्री ओवर नाइन माइनस नाइन, इसमें डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का जो है फॉर्मूला ओपन होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला ओपन करें कैंसिल हो जाएगा, फंक्शन आ जाएगा वन ओवर एक्स प्लस थ्री, लिमिट पुट करें और आंसर आ जाएगा वन ओवर सिक्स। अब देखें आगे जो है जो हमने अभी क्वेश्चन करने उससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर इलेवन है, इसको प्रूफ नहीं करना आपने, ये एग्जाम्पल उन्होंने पता नहीं क्यों लिखा हो, ये थ्योरम है और जितने भी थ्योरम्स हैं बुक के अंदर जो नोट्स मैंने शेयर किए हैं वो प्रूफ नहीं आप लोगों ने करने, जस्ट उनकी स्टेटमेंट्स करनी है और स्टेटमेंट्स को ही हमने आगे फर्दर क्वेश्चन में अप्लाई करनी। वैल्यू एट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम ओवर एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एम, ये अगर तो किसी ने एफ एस सी के अंदर मैथ पढ़ा हुआ है तो ये बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको ओपन किया जाता है थ्योरम अप्लाई करके सारा। अब थ्योरम मैं नहीं करवाऊँ क्योंकि कोर्स में इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसका प्रूफ आप रहेंगे डायरेक्टली और हमें इसको डायरेक्टली पुट करना है। लास्ट पे भी मैंने एक्सप्रेशन दिए हुए हैं फॉर्मूलाज के, जितने भी एक्सप्रेशन है वहाँ पे भी मैंने मेंशन किया m ओवर n a की पावर m माइनस n, तो यहाँ से कंपेयर करें ठीक है, अदरवाइज आप अगर इसको लास्ट में मैंने फॉर्मूलाज ऐड किए वहाँ से भी कंपेयर कर सकते हो। ये देखें चैप्टर के जो फॉर्मूलाज हैं वहाँ पे ये सारे लिखे हुए हैं जो थ्योरम्स के अकॉर्डिंग पूरे चैप्टर के अंदर प्रूफ भी किए हुए हैं, प्रूफ नहीं करने सिर्फ यहीं से आप इनको यूज कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास इस वक्त फॉर्मूला है ये x की पावर m माइनस a की पावर n ओवर x की पावर n माइनस a की पावर n m ओवर n a की पावर m माइनस n, तो अब आप क्वेश्चन में खुद अप्लाई कर लेंगे।